आज की वीडियो स्पेशली उन्हीं के लिए है जो विदेश यानी फॉरेन कंट्री जाना चाहते हैं और वो जो है कोरोना वैक्सीन का दोनों डोज ले चुके हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि उसको जो है कौन सा सर्टिफिकेट लगेगा। सुगाज मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे शेयर करता हूं कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस रेड बटन को दबा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोस पाइए आप रोज़ाना। तो सरकार ने कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट में बहुत ही बड़ा बदलाव करते हुए जो विदेश जाने वाले हैं उसके लिए एक नया सर्टिफिकेट अपडेट कर दिया है, जिसको जो है वो सर्टिफिकेट डाउनलोड करके वो फॉरेन कंट्री जा सकता है। तो वो सर्टिफिकेट है इंटरनेशनल ट्रैवल सर्टिफिकेट। वो आपको उसी सर्टिफिकेट में मिलेगा जिस सर्टिफिकेट में आप जो है फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज जो है डाउनलोड करते हैं। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से आप जो है इंटरनेशनल ट्रैवल सर्टिफिकेट आप कैसे उसको जनरेट करके उसको आप कैसे डाउनलोड करेंगे। मैं आपको बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान तरीका बताने वाला हूँ। अगर आप पासपोर्ट से लिए हैं तब तो आपको इंटरनेशनल ट्रैवल सर्टिफिकेट का ऑप्शन रहेगा। अगर आप जो है आधार कार्ड से लिए हैं तब भैया आपके पास जो है इंटरनेशनल ट्रैवल सर्टिफिकेट का ऑप्शन नहीं रहेगा, क्योंकि आधार कार्ड का वैलिड नहीं है फॉरेन कंट्री जाने के लिए, क्योंकि आपको पासपोर्ट जरूरी होता है विदेश जाने के लिए ना कि आधार कार्ड। अगर आप आधार कार्ड से लिए हैं तब तो आपके पास इंटरनेशनल ट्रैवल सर्टिफिकेट का ऑप्शन नहीं रहेगा। अगर आप पासपोर्ट से लिए हैं तब तो आप जो है सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेशनल ट्रैवल सर्टिफिकेट, और उसको आप कैसे जनरेट करेंगे, कैसे बनाएंगे और खुद से आप इसको बना सकते हैं। अगर आप यही काम जो है दुकान वाले या साइबर कैफे में जाएंगे करवाने के लिए तो वहाँ पर भैया आपको 100 से लेकर 150 रुपीस ले लेगा और वो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि भैया आपको जो है फॉरेन कंट्री यानी विदेश जाना है। तो मैं आपको यही तरीका बताऊंगा कि इस तरीके से आप जो है इंटरनेशनल ट्रैवल सर्टिफिकेट कैसे बनाएंगे, क्योंकि सरकार ने अपने पोर्टल में बहुत बड़ा बदलाव करते हुए जो नया ऑप्शन जो है उसमें अपडेट कर दिया है। अब आपको विदेश जाने के लिए ये सर्टिफिकेट भी लगेगा, यानी आपको इंटरनेशनल ट्रैवल सर्टिफिकेट भी लगेगा, फाइनल सर्टिफिकेट भी लगेगा और फर्स्ट डोज का भी सर्टिफिकेट लगेगा। मतलब आपको तीनों सर्टिफिकेट आपको इसमें जो है मेंशन करना पड़ेगा अगर आप फॉरेन कंट्री यानी विदेश जाना चाहते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स में बताऊँगा किस तरीके से जो है आप इंटरनेशनल ट्रैवल सर्टिफिकेट कैसे आप जनरेट करके आप खुद से ही उसको कैसे बनाएंगे। तो इस वीडियो में आप कम्प्लीटली लास्ट तक ज़रूर बनिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं यानी फॉरेन कंट्री जाना चाहते हैं तो आपके पास जो है इंटरनेशनल ट्रैवल सर्टिफिकेट का होना बहुत ही ज़रूरी है। सरकार ने अपने पोर्टल में बहुत ही बड़ा अपडेट कर दिया है। मैं इस पर जो बहुत सारा वीडियो अपलोड कर रखा हूँ कोरोना वैक्सीन पे, तो वो सब वीडियो आप जाके देख सकते हैं कि किस तरीके से सर्टिफिकेट डाउनलोड करेंगे, कैसे अपॉइंटमेंट बुक करेंगे, कैसे अपने सर्टिफिकेट में करेक्शन करेंगे, उस सब पे मैं जो है वीडियो अपलोड कर रखा हूँ। उस सभी वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा। तो मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा अगर आप जो है कोरोना वैक्सीन का फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज ले चुके हैं तो आप जो है किस तरीके से जो है इंटरनेशनल ट्रैवल सर्टिफिकेट आप कैसे डाउनलोड करेंगे। अगर आप पासपोर्ट से लिए हैं तो आधार कार्ड में ये जो है ऑप्शन नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कोई भी ब्राउज़र को ओपन करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे डालना है कोविन, यहाँ पर देखिए ऑफिशियल वेबसाइट है। कोविन डालने के बाद इंटर कीजिएगा तो आपके सामने में जो है कोविन वेबसाइट का यहाँ पर जो है पोर्टल ओपन होकर आ जाएगा। अब सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर रजिस्टर और साइन इन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना। यहाँ पर बोलता है कि इंटर योर मोबाइल नंबर, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डालेंगे और वही मोबाइल नंबर डालेंगे जो आप वैक्सीन लेने टाइम में दिए थे। चलिए हम यहां से मोबाइल नंबर डालने के बाद यहां गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। जैसे गेट ओटीपी पर क्लिक करते हैं तो यहां पर जो है आपको 180 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, वो आपको 180 सेकंड में जो है यहां पे अपना ओटीपी डाल देना है। तो मेरे केस में यहाँ पर आ गया है, मैं यहाँ पर ओटीपी डाल देता हूँ। तो आपको जो है 3 मिनट के अंदर अंदर में आपको यहाँ पे ओटीपी डालने के बाद यहाँ वेरीफाई एंड प्रोसीड वाले पे क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने में यहाँ पे देखिए कि आपका सर्टिफिकेट जो है
यहाँ पे ओपन होके आ चुका है। यहाँ पर देखिए मेरे पार्टनर का है, और इस तरीके से यहाँ पर देखिए कि एक और पर्सन का है यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए कि आपको जो है सर्टिफिकेट का ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है, और यहाँ पर देखिए कि लिखा आ रहा है इंटरनेशनल ट्रेवल सर्टिफिकेट। तो आपको क्या करना है कि आपको जो है यहाँ फर्स्ट डोज का सर्टिफिकेट भी लगेगा अगर आप फॉरन कंट्री जा रहे हैं तो, और ये जो है आपका सेकेंड डोज का भी सर्टिफिकेट लगेगा। अब यहाँ पर देखिए कि सरकार ने जो है पोर्टल में नया अपडेट कर चुका है यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेवल सर्टिफिकेट। अगर आप यहाँ पर पासपोर्ट से ले रहे हैं, जैसे यहाँ पर देखिए पासपोर्ट का ऑप्शन यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल रहा है, यहाँ पर देखिए पासपोर्ट। इसी तरीके से नीचे भी आपको यहाँ पर देखिए पासपोर्ट का ऑप्शन है। अगर आप आधार कार्ड से लेते हैं तो यहाँ पर जो है आपको इंटरनेशनल ट्रेवल सर्टिफिकेट का ऑप्शन नहीं रहेगा। मैं आपको वो भी दिखाऊँगा। मैं आपको पहले ये दिखा देता हूँ कि आप सबसे पहले क्या करना है, आपको सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर लेना है, और ये सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए कि आपको जो है इंटरनेशनल ट्रेवल सर्टिफिकेट का यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है। ये आपका जो नाम है तो इस तरीके से आपका नाम आ जाएगा। यहाँ जो देख रहे हैं डेट ऑफ बर्थ, यहाँ कैलेंडर पर क्लिक करेंगे, और कैलेंडर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर पहले ईयर चूज कर लेंगे कौन सा ईयर में आप पैदा हुए हैं। इसके बाद यहाँ पर आप मंथ कौन सा मंथ में, और यहाँ पर आप डेट चूज कर लेंगे, ठीक है। डेट चूज करने के बाद सिंपली यहाँ पर टर्म को एक्सेप्ट करेंगे, और यहाँ पर जैसे ही सबमिट रिक्वेस्ट पर क्लिक करते हैं तो आपका जो ये सबमिट जो है हो जाता है, और आपका जो है इंटरनेशनल सर्टिफिकेट जो आपका बन जाता है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर आप जो यहाँ पर सबमिट कर देते हैं तो आपका सर्टिफिकेट कैसा होगा। तो चलिए मैं इसके लिए बैक कर देता हूँ, क्योंकि मैं पहले से एक सर्टिफिकेट जो है जनरेट कर रखा हूँ। तो यहाँ पर मैं स्क्रॉल डाउन करके नीचे आऊँगा, यहाँ पर देखिए इंटरनेशनल ट्रेवल सर्टिफिकेट है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते तो यहाँ पर जो है डाउनलोडिंग का ऑप्शन आ जाएगा, और यहाँ से है देखिए सर्टिफिकेट डाउनलोड हो चुका है। तो इस पर क्लिक कीजिएगा और मैं आपको दिखा देता हूँ सर्टिफिकेट आपको कैसा होता है। तो यहाँ पर देखिए कोविड 19 वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, और यहाँ पर देखिए इशू इन इंडियन बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पर देखिए आपका सर्टिफिकेट आईडी भी है यहाँ पर आ चुका है, आपका यहाँ पर पूरा नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, मेल, पासपोर्ट नंबर, यहाँ पर आपका फुली वैक्सीन यानी टू डोज आपको मिल चुका है। यहाँ पर देखिए आपका बेनिफिशियरी रेफरेंस आईडी, यहाँ कौन सी वैक्सीन लगा है, यहाँ पर वैक्सीन टाइप है, यहाँ पर मैन्युफैक्चर है जो कौन सा मैन्युफैक्चर है वो आपको यहाँ पर दिया है। यहाँ पर डोज देखिए फर्स्ट और सेकेंड, यहाँ पे आपको जो है कौन सा डेट में लगा है, और यहाँ पे बैच नंबर आपको दे दिया है, ये आपको बार कोड है। तो इस तरीके से जो गाइज आप जो है इंटरनेशनल ट्रैवल सर्टिफिकेट जो है आप जनरेट करके बना सकते हैं, और ये जो है आपको एयरपोर्ट पे ये सर्टिफिकेट लेगा, क्योंकि सरकार ने अपने पोर्टल में नया अपडेट कर चुका है, और फॉरेन कंट्री यानी विदेश में जाने वालों के लिए ये सर्टिफिकेट बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है। ये सर्टिफिकेट आपके पास होना ही होना चाहिए। अब मैं आपको ये बताऊँगा कि अगर आप आधार कार्ड से लिए हुए हैं तो आपके पास जो है ये वाला जो ऑप्शन दिख रहे हैं यहाँ पे, ये वाला नहीं होगा, तो मैं आपको वो भी करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसी तरीके से यहाँ पर रजिस्टर एंड साइन इन पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, तो वही मोबाइल नंबर डालेंगे जो आप वैक्सीन लेने टाइम में दिए थे। इसके बाद यहाँ गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे, गेट ओटीपी पर क्लिक करते ही आपके मोबाइल पर ओटीपी आ जाएगा। जैसे मेरे केस में यहाँ पर ओटीपी आ चुका है, मैं यहाँ पर ओटीपी डाल देता हूँ। इसी तरीके से आपके केस में ओटीपी आएगा तो आपको यहाँ पर 3 मिनट का टाइम दिया जाएगा, वो आपको 3 मिनट के अंदर अंदर में आपको ओटीपी डाल देना है। ओटीपी डालने के बाद वेरीफाई एंड प्रोसीड वाले पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए आपके सामने कुछ इस तरीके से ये जो पेज ओपन होकर आ चुका है। अब यहाँ पर देखिए कि ये पर्सन जो है यहाँ पे फर्स्ट डोज लिए हुआ है, और यहाँ पर देखिए कि आधार कार्ड से लिए हुआ है, ठीक है। तो इसके केस में यहाँ पे आपको जो है सर्टिफिकेट का सिर्फ ऑप्शन है, और बगल में आपको इंटरनेशनल ट्रेवल सर्टिफिकेट का ऑप्शन नहीं है, और नीचे में भी यहाँ पे नहीं है। तो अगर आप पासपोर्ट से लेते हैं तो आपके सामने में कुछ इस तरीके से यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे इस तरीके से ऑप्शन रहेगा। अगर आप आधार कार्ड से लेते हैं वैक्सीन तो आपके सामने में सिर्फ ये सर्टिफिकेट का ऑप्शन रहेगा, बगल में आपको यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेवल सर्टिफिकेट का ऑप्शन नहीं रहेगा। ये सिर्फ जो है फॉरेन कंट्री यानी विदेश में जो जाते हैं और वो जो है पासपोर्ट से लेते हैं, यहाँ पर देखिए पासपोर्ट का ऑप्शन है तो पासपोर्ट से लेते हैं, उस पर्सन में ही जो है इंटरनेशनल ट्रेवल सर्टिफिकेट का ऑप्शन रहता है। अब तो आप गाइस अच्छी तरीके से समझ ही गए होंगे कि अगर आप जो फॉरेन कंट्री में जाना चाहते हैं तो आपको जो है यहाँ पर जो है सेकेंड डोज फर्स्ट डोज जो आप पहले से ले चुके हैं उसका सर्टिफिकेट, सेकेंड डोज का और यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेवल सर्टिफिकेट का आपके पास होना चाहिए। और वो जो है आप किस तरीके से जो है जनरेट करेंगे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तो एक बार मैं आपको और बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए इंटरनेशनल ट्रेवल सर्टिफिकेट है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो है अपना जो है नाम आपका आ जाएगा, यहाँ पे अपना बर्थ कैलेंडर में से चूज कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे ईयर चूज करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे आपको मंथ चूज कर लेना है, और यहाँ पे डे चूज कर लेना है, ठीक है। आपका पासपोर्ट नंबर पहले से आ जाएगा, यहाँ पे टर्म को एक्सेप्ट करेंगे। जैसे यहाँ सबमिट रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है इस तरीके से जो है आपका सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा, और यहाँ पर मैं आपको बैक करके दिखा देता हूँ कि इस तरीके से आ जाएगा। और यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं, यहाँ पर जैसे ही
पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर जो है आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा और इसको ओपन कीजिएगा तो आपके सामने में कुछ इस तरीके से यहाँ पर देखिए डाउनलोड हो चुका है। मैं डबल क्लिक करता हूँ। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए कि आपके सामने में जो है कुछ इस तरीके से इंटरनेशनल ट्रैवल सर्टिफिकेट आपके सामने में आ जाएगा। अब तो गाइस आप अच्छी तरीके से समझ ही गए होंगे कि इस तरीके से इंटरनेशनल ट्रैवल सर्टिफिकेट को आप खुद से कैसे जनरेट करके आप उसको कैसे बना सकते हैं और उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आप साइबर कैफे या दुकान में जाइए, इसका जो है प्रिंट आउट निकाल के आपको दे देगा। सो गाइस ये बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है जिससे आप जो है अगर फॉरेन कंट्री जाना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए आपका जो है ये सर्टिफिकेट आईडी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आईडी है। इसको आप नोट करके घर में भी रख सकते हैं, इसका एक फोटो कॉपी करा लीजिए घर में रख लीजिए और इसको जो है आप लेमिनेट करा के भी रख सकते हैं घर में। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। सो गाइस अब तो आप समझ ही गए होंगे किस तरीके से इंटरनेशनल ट्रैवल सर्टिफिकेट आप कैसे खुद से जनरेट करके कैसे इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।